ब्लॉग और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने मंदिर में पूजा भी कर ली है। तो जब नवरात्रि चलती है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो सब लोग ने पूजा कर ली होगी इस टाइम तक। और मंदिर में भी पूजा की आवाज़ आ रही थी क्योंकि यहाँ पास में ही है मंदिर। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छत पे से, क्योंकि नीचे दीदी भी पूजा कर रही हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और कपड़े भी मैंने धोए थे तो उनको भी फैलाना था ऊपर आके। ये देखिए फ्रेंड्स, धूप भी निकल आई है, मतलब लग ही नहीं रहा कि अक्टूबर का महीना है। मतलब इस टाइम तक हल्की हल्की सी ठंड आ जाती है, कोहरा होने लग जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ लखनऊ में तो बहुत तेज़ धूप निकल रही है। आज ब्रेकफास्ट में बना है आलू के पराठे और हरी वाली चटनी। ये देखो फ्रेंड्स, पूरे हॉस्टल में अंधेरा अंधेरा है। रोशनी दिख गई। आ गया है तो इतनी दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी, बट फाइनली अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है और बहुत तेज हवा भी चल रही है। आज शाम को बन रहा है कद्दू और दाल। ये देखिए दाल बन गई है, उसमें चावल है, उसमें चावल चढ़ा है। सो फ्रेंड्स, आज भाभी खाना बना रही हैं, तो मैं उनके साथ मदद करवा रही हूँ। मैं कटवा रही हूँ सब्जी। उधर वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, मुझे पता नहीं लाइट कहाँ से ऑन होती है, तो वहीं अंधेरे में ही मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो एक तो बारिश हो रही है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे हॉस्टल में अंधेरा अंधेरा हो रहा है। फ्रेंड्स, अभी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। तो बारिश को इन्जॉय करने के लिए मेरे पास है चाय और चाय के साथ पकौड़े तो यहाँ मिल नहीं सकते, तो मैं बिस्किट खा रही हूँ। उसने पूरे 9 दिन का फास्ट रखा है और बहुत सुंदर सा मंदिर सजाया है, तो वो सुबह और शाम डेली पूजा करती है। तो आज शाम को मैं भी गई थी पूजा के लिए साथ में। तो सबसे पहले उन्होंने कद्दू को पानी डाल के उबाल लिया है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस लड़की से जिसने मंदिर सजाया था और पूरे 9 दिन का फास्ट है। हेलो। सो ये आ गई हमारी क्यूट सी प्यारी सी सिमरन। तो सिमरन है बिहार से। हेलो गाइस। तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारा बोलती है और उसने ना पूरे 9 दिन का फास्ट रखा है और बहुत प्यारा सा मंदिर सजाया है। तो आपने डे 1 में आपने देखा होगा कि कितना प्यारा उसने सब अरेंजमेंट करा था, हम लोग ने पूजा भी करी थी। हेलो। और भाभी की सब्जी भी बन गई है यहाँ पे और मैं दिखा नहीं पाई। तो फ्रेंड्स, आज का जो डिनर है ना, वो भाभी ने बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आज बनी है कद्दू की सब्जी, दाल, रोटी और चावल।
फ्रेंड्स, मैं खाना अपने रूम में ले आई हूँ और आज मैं खाऊंगी सैलड भी खाऊंगी साथ में, जो मैं नीचे से टमाटर लेके आई थी। तो सैलड खाओ तो खाने के साथ अच्छा लगता है। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पानी भरने आई थी और अपनी बॉटल यहीं पर भूल गई थी।